वेलकम स्टूडेंट्स, हमारा 1.3 एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट, जो क्रैमर्स रूल था। अभी हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 एक्सरसाइज। 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम वापस लीनियर इक्वेशन क्या था उसके बारे में देखेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होगा, उसका डिग्री 1 होता है। ओके, सपोज एक इक्वेशन मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स 7, एक लीनियर इक्वेशन है विथ टू वेरिएबल्स। देखो x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल वाला एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो डिग्री है ऊपर जो पावर है कितना होता है, 1 है। अगर लेकिन ये देखो यहाँ पर भी 1 है, दोनों वेरिएबल का जो पावर है या डिग्री है 1 है, तो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये जगह में अगर ऐसा दे दिया वाई, फोर अपॉन वाई और यहाँ पे 3 अपॉन एक्स दिया, समझो 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इक्वल 7 ऐसा दिया है, तो इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, थोड़ा सा साउंड एक्स्ट्रा बाहर से आ रहा है, प्लीज कोऑपरेट। ओके, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बाजू में, इसलिए। तो 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इक्वल टू 7 ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपॉन के नीचे एक्स है। हम ऑलरेडी अपॉन के नीचे वाला जो कोई भी सम्स होता है, वेरिएबल्स होते हैं, उसको क्या करेंगे, या अपॉन में जो कुछ भी आता है उसको रिमूव करने का कोशिश करेंगे। इट विल कट और सिर्फ 3 बचेगा हमारे पास। यानी अगर अपॉन के नीचे वेरिएबल आया, अपॉन में वेरिएबल आया, डिनोमिनेटर के प्लेस में वेरिएबल आया, सो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। पर कभी कभी हमें ऐसा सम्स देंगे, सपोज एक एक्सरसाइज दिया, समझो एक क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन 7 इक्वल्स 7, सॉरी 5 अपॉन वाई इक्वल्स 7 एक इक्वेशन है। 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन दिया, और दूसरा इक्वेशन हमें दे दिया है 3 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई, 3 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल्स 13। ओके, ये दो इक्वेशन हमारे सामने है, समझो 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इक्वल 7, 3 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल्स 13। ये दो इक्वेशन में जो वेरिएबल है अपॉन के नीचे है, यानी नॉर्मली बोला जाएगा तो इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल दो है पर लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इस काइंड ऑफ सम्स को कैसा सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले कुछ सब्स्टिट्यूट करके प्रॉपर एक लीनियर इक्वेशन हम बना कर लेंगे। ओके, एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन हम बना कर लेंगे। किस तरह बनाएंगे उसके लिए देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। ये जो सॉल्यूशन लिखने से पहले मैं आपको कुछ इसको डिवाइड करके बताती हूँ, इसको स्प्लिट करके बताती हूँ इक्वेशन को। ये देखो इक्वेशन को मैंने इस तरह लिखा है 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इक्वल 7। तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रही हूँ, ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर रही हूँ। देखो इसके बदले में 4 लिखा और ब्रैकेट डालकर यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, 4 ये जो 4 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकते हो ना, 4 इंटू 1 अपॉन एक्स ऐसा लिख सकते हैं। देखो 4 वन सा 4 ही होता है, सो 4 इंटू 1 अपॉन एक्स लिख दिया। और उसके बाद मैंने इसको और थोड़ा सा स्प्लिट कर लिया, थोड़ा सा और चेंज कर लिया, 4 को अलग कर लिया है और ये क्या है 1 अपॉन एक्स हो गया। 4 को सेपरेट कर लिया, 1 अपॉन एक्स अलग हो गया। इसी तरह ये 5 अपॉन वाई, 5 अपॉन वाई को क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 वन सा 5 अपॉन ये नीचे का वाई, 5 को सेपरेट कर दिया 1 अपॉन वाई ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ऐसा क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने ये जो अभी यहाँ पे बनाया वो हिसाब से मैं लिखने जा रही हूँ, 4 इंटू 1 अपॉन एक्स, यानी 4 को सेपरेट किया तभी भी उधर क्या नंबर होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस 5 को सेपरेट ब्रैकेट डाल दिया मैंने यहाँ पे, 5 को सेपरेट किया यहाँ और यहाँ पे क्या है 5 के साथ 5 वन जार, यानी 1 अपॉन वाई इक्वल्स 7। इस तरह मैंने ये इक्वेशन को थोड़ा सा स्प्लिट किया, थोड़ा सा तोड़ दिए। ओके, और उसके बाद
वन अपॉन एक्स को मैंने कुछ और अल्फाबेट देने जा रही हूँ वन अपॉन एक्स के लिए, समझो कि एम वन अपॉन एक्स की जगह में एम, तो मैं ऐसा लिख रही हूँ, लेट अस अज्यूम वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम, वन अपॉन एक्स के बदले में एम, यानी जहां पर भी वन अपॉन एक्स मिलेगा हमें वहां पे हम क्या डालने वाला है एम, और वन अपॉन वाई के लिए क्या डालने वाला है एन, ठीक है, एम और एन, यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी अदर लेटर ऑल्सो, वन अपॉन एक्स के लिए ए डालो, वन अपॉन वाई के लिए बी डालो, या फिर दूसरा कोई अल्फाबेट आपको आर और एस और कैसा भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यूज करने वाले अल्फाबेट ए या बी नहीं तो एम और एन नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, उसको उस पे ध्यान देना। ज्यादातर यूज करने वाले अल्जिब्रा में हम यूज करने वाले लेटर्स ये होता है ए बी और सी और डी, भी रेयरली कभी यूज करता तो करता है, ए बी एम एन और एक्स वाई ये ज्यादातर यूज होता है, तो इनमें से कोई वैल्यू आप डाल सकते हो, तो एम हो गया एन हो गया। तो अब बताओ ये फोर में यहां पर लिखी सपोज, और ये वन अपॉन एक्स के बदले में मुझे क्या लिखना है एम, इधर क्या है इंटू, फोर के बाजू में इंटू है, तो फोर इंटू, इंटू लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम अल्फाबेट लिख सकते हैं, फोर इंटू वन अपॉन एक्स के पूरे के बदले में मैंने लिख दिया एम, अभी आ गए ये प्लस, समझ में आ रहा है, ये फाइव लिखा, वन अपॉन वाई जो है उसके पूरे बदले में हम क्या लिखने वाले एन, आगे इक्वल्स, इक्वल्स होने के बाद सेवन, देखो बच्चों हमारा जो इक्वेशन था लीनियर नहीं था, लेकिन हमने उसको देखो अभी लीनियर बना दिया, क्योंकि ये वाला जो हमने नया बनाया हुआ इक्वेशन के अंदर कोई भी अपॉन के बाद अपॉन के नीचे वेरिएबल नहीं है, यानी उस तरह हमें चेंज करना होगा। ओके, तो ये जो दो इक्वेशन मैंने दिया था सॉल्व करेंगे बोल के एग्जाम्पल, तो उसमें से एक इक्वेशन को इस तरह बनाया, तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था, थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर अपॉन वाई है इक्वल्स 13। यहां पर भी आप क्या करोगे, थ्री को सेपरेट करोगे, थ्री को सेपरेट करके वन अपॉन एक्स डालोगे, माइनस फोर को सेपरेट करके वन अपॉन वाई डालोगे, देखो थ्री वन जा थ्री वापस वही थ्री होएगा और नीचे एक्स, फोर वन जा फोर और वाई, तो फोर को और थ्री को सेपरेट किया वन अपॉन एक्स और वन अपॉन वाई इक्वल्स 13। हमने वन अपॉन एक्स को क्या मान के रखा है एम, तो थ्री हो गया और इसके बदले में एम, माइनस फोर वन अपॉन वाई को हमने एन माना है तो फोर एन इक्वल्स 13। इस तरह हमें दूसरा इक्वेशन चेंज होकर मिलेगा, ठीक है। चलो हम अभी वही सम सॉल्व कर लेते हैं पूरे कंप्लीट स्टेप्स के साथ। ये हमारा सम यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर है, फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव अपॉन वाई इक्वल्स 7, थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर अपॉन वाई इक्वल्स 13, ठीक है। तो हम इसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव अपॉन वाई इक्वल्स 7। एक्चुअली दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, और दूसरा है थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर अपॉन वाई इक्वल्स 13, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, अभी बच्चों क्या करना है हमें, हमको ये फोर को थोड़ा सा सेपरेट करना है, फोर को सेपरेट करना है, मेंटली करोगे तो सबसे बेटर होगा लिखने के बदले, अभी लिखकर तो मैंने आपको दिखा दिया कैसा बनता है करके, अभी मन में आप समझोगे तो बेटर होगा, मन में आप समझोगे तो ये क्या होगा, फोर बाजू में होंगे वन अपॉन एक्स होगा आपके पास, बराबर है, फाइव बाजू में होगा आपके पास इधर वन अपॉन वाई होगा। चलो ये एक समय में वो भी वो एक स्टेप कर लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले इक्वेशन को यहां पे साइड में कर लेती हूँ, फोर बाजू में है वन अपॉन एक्स प्लस फाइव बाजू में है वन अपॉन वाई इक्वल्स 7, और दूसरा इक्वेशन में थ्री बाजू में है वन अपॉन एक्स प्लस फोर बाजू में है वन अपॉन वाई इक्वल्स 13, ठीक है। तो अब ये वन अपॉन एक्स, इधर भी वन अपॉन एक्स, दोनों इक्वेशन में वन अपॉन एक्स है और वन अपॉन एक्स को हम एम मानने वाले हैं, वन अपॉन वाई ये इक्वेशन में भी है, इक्वेशन में भी है, दोनों में हमें क्या मानना है एन मानना है। ओके, तो अभी ये एक्चुअली ये जो एक स्टेप है इसकी जरूरत नहीं है, ये हम मन में समझ कर लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट ये सम करने जा रहे हैं। सम इस तरह, पहले ये इक्वेशन का नंबर डाल दिया, अभी हमको क्या करना है, लेट या फिर सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग करके लिख सकते हो, नहीं तो लेट, लेट बहुत ही इजी है, इजी वर्ड है, सब्स्टिट्यूटिंग का स्पेलिंग थोड़ा लंबा है, तो हमारा
लेट में लेट से काम हो जाएगा. लेट वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, ए डालो एम डालो कुछ भी डालो, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम, वन अपॉन एक्स क्योंकि यहां पर फोर को हटाएंगे तो इधर वन है. ये दोनों सेम सेम होता तो अलग बात है, पर यहाँ पे सेम सेम नहीं है ना, ये फोर है और ये थ्री है, पर फोर को बाजू में करेंगे तो वन आएगा, थ्री को बाजू में करेंगे तो ये वन आएगा, दोनों सेम हो जाएगा फिर. तो सेम चीज को हम एक ही लेटर मान लिया, तो वन अपॉन एक्स होने दो एम, एंड वन अपॉन वाई, फाइव को बाजू में हटेंगे तो वन अपॉन वाई, और ये फोर को बाजू में हटाएंगे तो वन अपॉन वाई, तो वन अपॉन वाई इक्वल्स एन. इस तरह हमने एज्यूम किया, लेट वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम एंड वन अपॉन वाई इज इक्वल टू एन, तो हमें इक्वेशन हमारा कैसा मिलेगा. देयरफॉर हमको इक्वेशन मिलेगा, फोर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फोर बाजू का है ना, यहां पे देखो फोर लिख दिया, फोर लिखने के बाद वन अपॉन एक्स एन एम, फोर एम, क्लियर है, समझ में आ रहा है. तो ये देखो फोर लिखा, ये वाला फोर, और उसके साथ वन अपॉन एक्स है, वन अपॉन एक्स एन एम, फोर एम, आगे प्लस साइन है यहां पे देखो प्लस, अभी फोर फाइव अपॉन वाई है, फाइव अपॉन वाई, फाइव लिखा मैंने, ये फाइव के साथ क्या होता है, फाइव वन मतलब वन होता है, इंटू वन, वन अपॉन वाई हमारा क्या है एन, आगे इक्वल फिर सेवन, फोर एम प्लस फाइव एन इक्वल सेवन, ये इक्वेशन चेंज हो गया, चेंज कर लिया हमने क्योंकि ये लीनियर नहीं था, हमने लीनियर बनाया. फोर एम प्लस फाइव एन, फोर इंटू वन अपॉन एक्स की जगह एम, फोर इंटू वन अपॉन एक्स, फोर इंटू एम, फोर एम, फाइव इंटू वन अपॉन वाई की जगह एन, फाइव इंटू एन, फाइव एन इक्वल्स सेवन. ओके, तो ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर थ्री. इसी तरह इक्वेशन सेकंड को भी थ्री, ये थ्री लिखा, वन अपॉन एक्स के लिए एम, आगे माइनस ये फोर लिखा, इधर वन अपॉन वाई है, वन अपॉन वाई के लिए एन इक्वल्स थर्टीन. ये होता है इक्वेशन नंबर फोर. अब हमारे पास सादा क्या बन गया है, लीनियर इक्वेशन बन गया जो हमने ऑलरेडी कई बार सॉल्व किए हैं. तो अभी इसको कोई भी एक टर्म को हमें एलिमिनेट करना है, इधर यू कैन एलिमिनेट एम और यू कैन एलिमिनेट एन, कोई भी एक चीज को एलिमिनेट करना है. अब यहाँ पे देखो एम का कोएफिशिएंट फोर है, यहाँ पे एम का कोएफिशिएंट थ्री है, डिफरेंट कोएफिशिएंट्स है, मल्टीप्लाई किए बिना सेम कोएफिशिएंट किए बिना कैलकुलेशन नहीं होता, कैंसिल नहीं होता. ओके, यहाँ पर कोएफिशिएंट फाइव है, यहाँ पर कोएफिशिएंट फोर है, एन का भी कोएफिशिएंट अलग अलग है, तो एक तो एम का कोएफिशिएंट को सेम करो या फिर एन का कोएफिशिएंट को सेम करो, पर मैं सेलेक्ट करूंगी एन को क्योंकि एन का जो साइन होता है ऑपोजिट साइन से, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर नंबर सेम आकर मिल गया तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे सेम कोएफिशिएंट अगर मैंने बना लिया तो क्या होगा, ये दोनों सीधे कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब एडिंग करते ही कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों को कैंसिल करना है, तो ये दोनों को कैंसिल करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा, यानी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन में ही तो साइन चेंज का स्टेप होता है ना, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन से अच्छा एडिशन मुझे लग रहा है, इसके लिए मैं अलग अलग साइन वाले को सेम करने का कोशिश कर रहा है, यानी कि एन का टर्म का साइन जो है दोनों साइन अलग अलग है, तो एन का टर्म को मैं साइन बनाने जा रही हूँ. ये फाइव एन है और फोर एन है, फाइव और फोर दोनों के टेबल में आने वाला पहला छोटा नंबर, पहला सेम कॉमन नंबर, यानी इन दोनों का एलसीएम बोलता है. जैसे जहां पर मैंने आपको फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन बताई थी वहां पर एलसीएम बनाया था, बराबर है, एलसीएम फाइंड आउट किए थे. एलसीएम के लिए हमको दोनों नंबर का टेबल लिखना होता है. फाइव का टेबल हो गया फाइव, वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, ये फाइव का टेबल लिखा. और उसके बाद अभी ये दूसरा कौन सा नंबर है, फोर, फोर का टेबल, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, देखो ऐसा जा रहा है, दोनों में सेम क्या पहला आ रहा है, देखो फाइव इधर नहीं है, फोर इधर नहीं है, टेन नहीं है, एट नहीं है, फिफ्टीन, ट्वेल्व, ट्वेंटी, ट्वेंटी है दोनों में से, तो एलसीएम बन गया ट्वेंटी, बराबर. तो ये 20, 5 को 20 बनाने के लिए हमें कितने इंटू करना पड़ेगा, 5 वन सा, 5 टू सा, 5 थ्री सा, 5 फोर सा, हमें इसको 4 से इंटू करना पड़ेगा तब जाके 20 बनेगा.
इसको 20 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा, यानी इसको 4 से इंटू करो 5 4 20 बनेगा, इसको 5 से इंटू करो 4 5 20 बनेगा। तो एलसीएम फाइंड आउट कर लिया था यहाँ पर। लेकिन आपको मैं ये एक बात बता दूं, अगर दो नंबर्स है 5 और 4 उनका एलसीएम तुम्हें फाइंड आउट करना है तो पहले चेक करो कि दोनों नंबर कोई सेम टेबल में तो नहीं जा रहा। 5 और 4 कोई सेम टेबल में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। 5 सिर्फ 5 के टेबल में जाता है, 4 जाता है 2 के और 4 के टेबल में जाता है, दोनों सेम कोई टेबल में नहीं जाता। तो जब दो नंबर्स आपके पास है दोनों सेम टेबल में नहीं जाता तो उनका एलसीएम के लिए दोनों नंबर को सीधे आप इंटू कर लो, समझा? 5 और 4 किसी और टेबल में, मतलब कोई भी सेम टेबल में नहीं जा रहा, 5 और 4 कोई सेम टेबल में नहीं जा रहा, तो इन दोनों का एलसीएम के लिए 5 और 4 को इंटू करो 5 4 20। ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 5 4 20 वो उसका एलसीएम होगा। कब ऐसा इंटू करके एलसीएम फाइंड आउट करना है? जब दो नंबर्स सेम टेबल में नहीं जाता हो तब जाकर उनके उनको दोनों को इंटू करेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा। तो या इन दोनों का एलसीएम 20 है, मुझे ये 5 को भी 20 बनाना है, 4 को भी 20 बनाना है। 5 4 20 होता है, 4 5 20 होता है, यानी यहाँ पे 4 से इंटू करो, यहाँ पे 5 से इंटू करो। इसका मतलब ये थर्ड इक्वेशन को 4 से इंटू करो, ये फोर्थ इक्वेशन को 5 से इंटू करो। ओके तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि हम क्या नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू डू द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर रहा है बाय किससे, थर्ड को 5 4 जार करना पड़ेगा 4 से, एंड ओके एंड इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 4 एंड इक्वेशन फोर्थ वाले इक्वेशन को किससे करना पड़ेगा, फोर्थ वाले इक्वेशन में 4 के टेबल में 5 जा 5। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट थर्ड इक्वेशन को 4 से, तो 4 से इंटू करेंगे तो 4 5 4 20 हो जाएगा, और फोर्थ इक्वेशन को 5 से, क्योंकि 4 को 5 से इंटू करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 सेम सेम आएंगे। अभी इसको किससे इंटू करना है, 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, 4 को 4 से इंटू करो क्या मिल रहा है, वी गेट 4 को 4 से इंटू करो 4 4 16 m प्लस 5 को 4 से इंटू करो 5 4 20 n इक्वल्स 7 को 4 से इंटू करो 7 4 20 8। ये हमारा इक्वेशन बन गया फिफ्थ, और इसको अभी इंटू करना है फोर्थ इक्वेशन को किससे, 5 से, यानी इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, और इसको 5 से। 3 को 5 से इंटू करो 5 3 5 15 m माइनस 4 को 5 से इंटू करो 4 5 20 n 13 को 5 से इंटू करो 13 5 65। ये हो गया सिक्स्थ इक्वेशन। इतना समझ में आया है? तो अभी हम देखो तो ये दोनों इक्वेशन में सेम, देखो n का कोएफिशिएंट सेम आया, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट 20 है, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट 20 है, दोनों 20 20। तो वी कैन इजीली कैंसल देम, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये पॉजिटिव 20n है, नेगेटिव 20n है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा सिंपली बाय एडिंग। हमें सब्ट्रैक्शन का स्टेप करने की जरूरत नहीं है, जहां पर साइन की चेंज करने की जरूरत है वहां पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, जहां पर साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है तो हमें सब्ट्रैक्शन की स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। ओके तो हम यहाँ पे सिंपली एडिशन का स्टेप करेंगे। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन सिक्स्थ, एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। So we have to write the equation 5th and 6th again. 16m plus 20n equals 28. 15m minus 20n equals 65. Adding कर रहा है, 6 और 5 होता है 11, 1 carry, 1 plus 1 plus 1, 3. 31 variable m, 31m. पॉजिटिव 20n नेगेटिव 20n कैंसल, इक्वल्स के नीचे इक्वल 28 और 65, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 2 8 और 1 9, 93। तो हमें मिला 31m इज इक्वल टू 93। अब इसमें से हमें m फाइंड आउट करना है। ओके
देयरफॉर एम इज इक्वल टू 93 यहाँ पर, लेफ्ट साइड का एम 31 राइट साइड में जाओगे तो इंटू है इधर अपॉन हो जाएगा 31, एम इज इक्वल टू 93/31, देयरफॉर एम इज इक्वल टू 31 के टेबल में 93 कभी आता है, देखो मैं यहाँ पर कर रही हूँ 31 थ्री जर अप करके देखो, 3 1 3 3 3 9 93, तो 31 थ्री जर, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एम, हमें एम का वैल्यू मिला, एम का वैल्यू मिला तो उसका जोड़ी कौन है एन, तो एन का वैल्यू फाइंड आउट नेक्स्ट करना है। अभी एम का वैल्यू मिला तो उसमें से एन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो एम का वैल्यू 3 है उसे हम कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन, मतलब आपको स्टार्टिंग का जो एक्स वाला इक्वेशन है उसमें नहीं डालना है क्योंकि उसमें एम है नहीं, तो आप चाहे तो थर्ड इक्वेशन में डाल के दे सकते हैं, फोर्थ में डाल के दे सकते हैं, या फिर आगे जाकर फिफ्थ में जाके दे सकते हैं या सिक्स्थ में जाकर दे सकते हैं, पर मुझे ये देखने पर यहाँ पे थर्ड वाला इक्वेशन सबसे ईजी है, थर्ड वाले इक्वेशन में नंबर्स वगैरह थोड़े छोटे हैं और एडिशन का साइन है पूरे, सप्रेशन का साइन भी नहीं, तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। वो इक्वेशन है 4m + 5n = 7, 4m + 5n = 7, ठीक है, तो हमको वो 4m, हमारे इक्वेशन क्या है 4m + 5n = 7, ये हमारा फोर्थ थर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम वाई का वैल्यू, सॉरी एम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग एम का वैल्यू कितना है, एम इज इक्वल टू 3 इन विच इक्वेशन, हमने सेलेक्ट किया इक्वेशन नंबर थर्ड में सेलेक्ट किया, तो अब ये हुआ 4, एम के बदले में हम डालेंगे जहां जहां पर भी एम है वहां पर 3 डाल के देंगे, पर इन दोनों के बीच में इंटू है तो 4 × 3 आगे प्लस साइन और उसके बाद 5 × n का वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे रहने दो, 5n = 3, इक्वेशन क्या है 7, 5n = 7, इस तरह हमने सब्स्टिट्यूट किया। अभी इसका कैलकुलेशन हमें करना है, तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4 × 3 = 12, देयरफॉर डालें 4 × 3 = 12 आगे प्लस साइन, 5n को वैसे ही हमने रखा, ओके इक्वल्स और ये 7, अब देयरफॉर 5n इस साइड में इक्वल डाला 7, ये प्लस वाला 12 राइट साइड में जाओगे तो -12, देयरफॉर 5n = 7 में से -12, छोटे में से बड़ा है इसलिए हमें माइनस साइन डालना पड़ेगा, छोटे में से बड़ा है इसलिए माइनस साइन डालना पड़ेगा और 12 में से 7 को माइनस करना होगा, 12 में से 7 गया तो बाकी बचा 5, तो 5n = -5 हुआ, उसमें से n = ये राइट साइड का -5 ऐसे ही रखा, लेफ्ट साइड का इंटू वाला 5 उस तरफ राइट में जाएंगे तो अपॉन वाला 5 बनेगा और हमें n का वैल्यू मिल जाता है, 5 के टेबल में -5 मतलब माइनस साइन बाद में डालेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे, टेबल काउंट करेंगे, n = टोटली एक माइनस है वो माइनस डालो, अगर दो माइनस होते तो कट हो जाते थे, सिंगल माइनस है इसलिए हमें आंसर में डालना पड़ेगा, 5 के टेबल में 5 आता है 1 जर, तो इस तरह हमें एन का भी वैल्यू मिल गया, ओके पर हमें जो एम और एन का वैल्यू मिला ये हमारा क्वेश्चन में है ही नहीं, हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था ना हमारा क्वेश्चन, ये एक्स है, वाई है, 4 upon x, 5 upon y, 3, ये है हमारा क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में कहीं भी एम और एन नहीं है, सम को सॉल्व करने के लिए, सम को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है, एम और एन का टर्म डाल के यूज किया हुआ है, 1 upon x के जगह में m और 1 upon y के जगह में n, तो अभी हमें m और n का वैल्यू मिला तो m क्या है, असली में m क्या है हमें देखना है, m का मतलब होता है 1 upon x, बराबर है, देखो हमने ऑलरेडी बनाकर रखा था पहले स्टार्टिंग में ही, 1 upon x मतलब m होता है, अभी m का वैल्यू हमें मिला 3, पर असली में 3 मतलब किसका वैल्यू होता है, 1 upon x का वैल्यू होता है, क्योंकि m का रियल मीनिंग होता है 1 upon x, तो m का वैल्यू 3 मिल गया, इसका मतलब 1 upon x का वैल्यू 3 मिल गया, और n का वैल्यू हमें -1 मिल गया, इसका मतलब 1 upon y का वैल्यू -1 मिल गया, जो m का समझ में आ रहा है आपको, m का जो वैल्यू आपको मिला रियल में वो 1 upon x का वैल्यू है, n का वैल्यू जो आपको मिला वो रियल में 1 upon y का वैल्यू है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले वन अपॉन एक्स को एम माना, वन अपॉन वाई को एन माना, तो अभी उसको री सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी उल्टा करेंगे, एम को वन अपॉन एक्स मानेंगे और एन को वन अपॉन वाई मानेंगे, यानी कि काम को थोड़ा पहले हमने कन्वर्ट किया एम में, तो अभी वापस कन्वर्ट करेंगे वन अपॉन एक्स और वन अपॉन वाई में, तो उसको हम वर्ड यूज करेंगे री सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, अभी हमारा स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं, री सब्स्टिट्यूटिंग, री सब्स्टिट्यूटिंग यानी वापस से डालकर दे रहे हैं, री सब्स्टिट्यूटिंग एम इज इक्वल टू, एम किसको माने थे हमने, वन अपॉन एक्स को, एंड एन इज इक्वल टू, एन किसको माने थे, वन अपॉन वाई को। ओके, ये री सब्स्टिट्यूटिंग करना है, तो एम का वैल्यू हमारे पास थ्री है, एम इज इक्वल टू थ्री करके हमने बॉक्स में लिखे थे, बराबर, एम इज इक्वल टू थ्री, तो उस एम के लिए मैं क्या लिखने वाली हूँ अभी, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम, एम के लिए वन अपॉन एक्स, आगे इज इक्वल टू डाला और आगे क्या है थ्री, एंड एन, एन यानी क्या होता है वन अपॉन वाई, ये देखो एन इधर है, एन के बदले में लिखेंगे वन अपॉन वाई और इज इक्वल टू उसका वैल्यू माइनस वन, तो हमें वैसा एक्स, वन अपॉन एक्स और वन अपॉन वाई का वैल्यू मिला। अभी इसमें से हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, चलो क्रॉस करना है, उसके अलावा भी हम काम कर सकते हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें से, एक्स क्रॉस करके भी कर सकते हैं, थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स हो जाएगा, वन इंटू वन वाई वन हो जाएगा, फिर एक्स को लेफ्ट में छोड़ो और सब करो, थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, उससे अच्छा हम सीधा लिख देते हैं एक्स, जिसको फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट साइड में लिखा और हमारा इक्वल का साइन डाला, इक्वल के बाद राइट साइड में जो है उसको लिख दो, ऐसा करो एक्स को लिखे इक्वल टू डाला, एक्स के साथ क्रॉस में जो है, क्रॉस समझते हो, ऐसा क्रॉस, एक्स के साथ क्रॉस, ओके, एक्स के साथ क्रॉस कौन है थ्री, उसको नीचे डालो, फिर अपॉन का साइन डालो, और दूसरा क्या है वन, और नीचे वन होता है, हर नंबर के नीचे वन होता है, वन वन जा वन, एक्स का वैल्यू बन गया वन अपॉन थ्री। अब इसी तरह आप वाई का भी लिख सकते हो, वाई को लेफ्ट साइड में लिखे, अपॉन का साइन डाला, वाई के साथ क्रॉस में क्या है, क्रॉस में ऐसा, क्रॉस में, क्रॉस में क्या है माइनस वन, तो हमने नीचे माइनस वन डालना है, पर नीचे माइनस वन कभी डालते नहीं है, फिर भी इस समय मैं ऐसे डाल के दे रही हूं माइनस वन और ऊपर का आया वन, यानी इसको अगर क्लियरली करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू वन वन जब वन ही होता है ना, आप नीचे अपॉन के नीचे वन डालने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हर नंबर के अपॉन के अपॉन होता है, उसके नीचे वन भी होता है, वो लिखा नहीं जाता, तो वन वन जब वन हो गया, एक नेगेटिव है पूरा में, तो हमें इधर नेगेटिव समझना, दिस इज द आंसर, यानी ऐसा हम लिखेंगे नहीं, ऐसा लिखना प्रॉपर नहीं है, प्रॉपरली लिखना है तो क्या लिखना है हमें, वाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो हमारा इक्वेशन का आंसर्स मिल गया, आंसर मिल गया, दो इक्वेशंस जो दिए थे, एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू वन बाय थ्री और वाई इज इक्वल टू वन बाय माइनस वन इज द सोल्यूशन ऑफ, इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ओके, सो ये था हमारा 1.4 एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल सम, अभी तक एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट नहीं किया, जस्ट एग्जाम्पल आपको बता रही थी, तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।